नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल गर्देजी इन्फॉर्मेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया टाटा मैजिक, वो भी पेट्रोल वर्जन में। जी हाँ, टाटा मोटर्स ने 2023 में लॉन्च किया है नया टाटा मैजिक पेट्रोल, वो भी ड्राइवर सहित पूरे 10 सीटर पासिंग। कई लोगों को शिकायत थी कि टाटा मैजिक डीजल की प्राइस काफी ज्यादा है, तो टाटा मोटर्स ने इसका सॉल्यूशन करते हुए नया टाटा मैजिक पेट्रोल उतारा है, वो भी बजट प्राइस में, लगभग मारुति इको की रेट में। तो इस नए टाटा मैजिक में आपको क्या नए फीचर्स मिलेंगे, कितनी ऑन रोड प्राइस होगी, इसको खरीदने के लिए कितना डाउन पेमेंट देना होगा, कितनी ईएमआई आएगी, फाइनेंस करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो आप देख सकते हैं काफी शानदार इसका फ्रंट लुक दिया गया है। बीच में चमचमाता टाटा मोटर्स का लोगो दिया गया है। यहाँ पे जाली नुमा ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है, जिससे रेडिएटर को हवा आसानी से मिल सके। यहाँ पे आपको मजबूत फाइबर का बम्पर मिल जाता है। यहाँ पे आप नंबर प्लेट वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ से कभी गाड़ी को अगर टो करना पड़े तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है और गोल शेप में हेलोजन बल्ब के साथ में आपको हेडलैम्प मिल जाता है और गोल शेप में आपको टर्न इंडिकेटर भी दिया गया है। यहाँ पे आपको गोल्ड की बेजिंग मिल जाती है। यहाँ पे व्हाइट कलर की शानदार सी बड़ी सी रिफ्लेक्टर पट्टी मिल जाती है। बड़ी सी विंड स्क्रीन दी गई है, जिससे ड्राइवर को रोड दूर तक बिल्कुल क्लियर दिख सके। यहाँ पे आपको साइड मिरर मिल जाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे से आती हुई गाड़ियां आराम से दिख सके। और ये आप इसकी साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। आगे शानदार सा केबिन मिल जाता है, जिसमें ड्राइवर और को ड्राइवर आराम से बैठ सकते हैं और पीछे आपको पैसेंजर बैठने के लिए जगह मिल जाती है। ओवरऑल इसकी लंबाई की बात करें तो 3790 mm लंबाई है, 1500 mm चौड़ाई और 1890 mm इसकी हाइट दी गई है, ये आप देख सकते हैं। और शानदार इसका व्हील बेस दिया गया है 2100 mm का, 12 इंची के इसमें आपको ट्यूबलेस टायर भी मिल जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसके पीछे की प्रोफाइल, काफी अच्छी गाड़ी है। 1500 mm की इसकी जो है चौड़ाई दी गई है। पीछे आपको जो है काफी कुछ देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट, टर्न इंडिकेटर और टेल लैम्प देखने को मिल जाती है। रेड कलर की बड़ी सी रिफ्लेक्टर पट्टी, यहाँ पे नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। टाटा की बेजिंग, यहाँ पे आपको मैजिक की बेजिंग देखने को मिल जाती है। पीछे से एंट्री नहीं है, हालांकि इसका जो है स्पेयर व्हील वगैरह आपको पीछे ही देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्पेयर व्हील रखा हुआ है और यहाँ पर आप कुछ अगर लगेज वगैरह रखना चाहें तो आप आराम से रखकर इसको वापस बंद कर सकते हैं। 26 लीटर का इसमें आपको जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो पीछे के साइड में आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाती है। आगे और पीछे सेमी इलेप्टिकल लीफ स्पेयरिंग सस्पेंशन, यानी पत्ते कबाने वाला सस्पेंशन मिलेगा, जिससे आप थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्तों में भी चलें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 8.6 मीटर का टर्निंग रेडियस सर्किल है, जिससे आप थोड़ी जगह में ही गाड़ी को घुमा सकते हैं। शानदार 21% की रीस्टार्ट ग्रेडिबिलिटी मिलेगी, यानी चढ़ाई लांघने की क्षमता। अब हम आ चुके हैं क्लासी साइड की ओर और आप देख सकते हैं इस साइड जो है पैसेंजर को बिठाने के लिए दरवाजा मिलेगा एक साइड में ही, और यहाँ पे आपको जो है चेन वगैरह जो देखने को मिल जाती है, जिससे पर्दे को आप बंद और खोल सकते हैं और ऊपर जो है इसको आराम से यहाँ पे बांध भी सकते हैं। केवल एक साइड से एंट्री है और आराम से यहाँ पे आप जो है फुट स्टेप का इस्तेमाल करके अंदर आराम से बैठ सकते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर बड़े पैसेंजर आराम से इस पर पैर रखकर अंदर बैठ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो काफी खुला खुला इसमें आपको केबिन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 3 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, मैं बैठा हूँ और इतनी यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, तो यहाँ पे बैठ सकते हैं और 2 पैसेंजर यहाँ पे बैठ सकते हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 5 पैसेंजर यहाँ बैठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आराम से आप पीछे जा सकते हैं और 3 पैसेंजर आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। एक मैं यहाँ बैठ गया, 2 पैसेंजर आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं और यहाँ से उतरने के लिए पूरा स्पेस भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आपको कुछ भी, अगर आपके पास सामान है, कैरी बैग वगैरह है, तो वो आप यहाँ पे नीचे रख सकते हैं। मैट भी देखें तो यहाँ पे काफी अच्छा मैट दिया गया है टाटा मोटर्स की तरफ से। अगर आपको थोड़ी गर्मी ज्यादा लगने लग जाती है, अगर आपको यहाँ से खोलना है, तो यहाँ पे जिप को जो है अनजिप कर सकते हैं। यहाँ पे अनजिप करके इसको आप खोल सकते हैं और इनके द्वारा यहाँ पे बांध सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको हैंडल मिल जाते हैं, ताकि बच्चे या कोई भी पैसेंजर बैठे गाड़ी में, अगर थोड़ा वो धक्का वगैरह लगे तो आराम से यहाँ पे पकड़ सकता है। यहाँ पर भी आपको जो है हैंडल दिए गए हैं, जिससे आप आराम से बैठ के बिल्कुल सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इमरजेंसी स्विच मिल जाता है, जो कि हेल्प बटन लिखा हुआ है, जो कि जीपीएस से कनेक्टेड होता है। अब हम आ चुके हैं को ड्राइवर वाली सीट, ये भी काफी कंफर्ट है। यहाँ पे आपको जो है हैंडल मिल जाता है, पीछे आपको जो है हेडरेस्ट वाली सीट मिल जाती है, जिससे आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है अच्छा लेग रूम देखने को मिल जाता है, सीट को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको जो है थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है।
अब हम आ चुके हैं ड्राइवर सीट पे, और ड्राइवर सीट को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं और आराम से बैठ के ड्राइव कर सकते हैं। अब हम इसका इंटीरियर देखेंगे तो आप देख सकते हैं काफी शानदार जो है डैशबोर्ड है, हालांकि लगभग मिलता जुलता ही है। और ये आप इसका स्टीयरिंग देख सकते हैं जो कि काफी शानदार है, बीच में टाटा मोटर्स का लोगो मिल जाता है और दोनों साइड में आपको जो है हॉर्न देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी शानदार दिए गए हैं। और ये जो है मैनुअल स्टीयरिंग दिया गया है, पावर स्टीयरिंग इसमें अभी फिलहाल नहीं दिया गया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो अच्छा इसमें आपको जो है लेगरूम देखने को मिल जाता है, जो स्टीयरिंग वगैरह भी है वो पैर के आपके टच नहीं होगी। यहाँ पे आपको जो है चार स्पीड मैनुअल गियर मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, और एक रिवर्स गियर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है हैंड ब्रेक दिया गया है जिसको आप जो है ऊपर नीचे करके गाड़ी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको थोड़ा स्पेस देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जो है लोकेबल ग्लो बॉक्स देखने को मिलेगा ताकि इसमें अगर आप जो भी आरसी वगैरह कुछ भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखकर इसको जो है लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इको स्विच देखने को मिलेगा, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो गाड़ी की थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, थोड़ा पावर कम हो जाएगा, लेकिन आपको माइलेज ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, यानी अच्छी फ्यूल इफिशियंसी के लिए इसमें आपको इको मोड का स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अगर आप जो भी एफएम म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाना चाहें तो आप इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पे अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है यूएसबी चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है, आजकल मोबाइल चार्ज करने की काफी जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे आपको जो है यूएसबी चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो गाड़ी है काफी शानदार देखने को मिल जाती है, अच्छा इसमें आपको लेग रूम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाता है, रीडिंग लैंप यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड में आपको सनवाइजर देखने को मिल जाता है। को ड्राइवर साइड में फिलहाल कोई सनवाइजर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी जो है आपको अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, अगर आप कुछ रखना वगैरह चाहे तो आप आराम से रख सकते हैं। इसके स्पीडोमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी स्पीड, गाड़ी कितनी की स्पीड में दौड़ रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हॉट एंड कूलेंट यानी टेम्परेचर यहाँ पे बताएगा, यहाँ पे आपको टाइम वगैरह शो करेगा, यहाँ पे बताएगा कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, और यहाँ पे आपको फ्यूल लेवल बताएगा कि कितना फ्यूल इसमें बचा हुआ है, दो लाइन है, तीन लाइन है, तो ये आपको पूरी जानकारी इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। और ये आप इसके इंजन का साउंड सुन सकते हैं, जाहिर सी बात है पेट्रोल है तो डीजल के मुकाबले साइलेंट रहेगा, आवाज कम करेगा और काफी जो है स्मूथली गाड़ी चलेगी। 694 सीसी का इंजन मिलेगा पेट्रोल, 30 एचपी पावर के साथ 55 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा, और इसमें माइलेज वाली कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, लगभग 20 से 21 प्लस का ये माइलेज आराम से दे देगा। चलाने में भी गाड़ी काफी अच्छी है, और इसमें आपको पीछे सेमी इलेप्टिकल लिप स्प्रिंग के साथ में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेंगे, जिससे खड्डे वगैरह में जो है आपको धक्के कम लगेंगे। कंपनी की तरफ से इसमें आपको 2 साल और 72,000 किलोमीटर की फ्री वारंटी मिलेगी। अब आते हैं टाटा मैजिक पेट्रोल की प्राइस पर। इसकी एक्सोरूम प्राइस है 5,60,000 रुपए, आरटीओ इंश्योरेंस मिलाने के बाद 6,70,000 रुपए में टाटा मैजिक पेट्रोल ऑन रोड हो जाता है। ऑन रोड प्राइस में थोड़ा डिफरेंट आ सकता है क्योंकि अलग अलग राज्य में रोड टैक्स में थोड़ा फर्क है, तो वहाँ पे थोड़ी कमियां ज्यादा हो सकती है, ये राजस्थान की है, तो 6,70,000 रुपए में टाटा मैजिक ऑन रोड हो जाती है। फाइनेंस की बात करें तो इसकी ऑन रोड कीमत का 85% तक फाइनेंस हो जाता है, लेकिन अगर आप एक स्कूल के ओनर हैं, आपके पास 500 से ज्यादा बच्चे हैं, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो फिर आप एक शोरूम कीमत का 100% प्लस इंश्योरेंस को भी फंडिंग किया जा सकता है, तो वहाँ पे वो हो जाएगा। तो स्कूल वैन का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तो वो आप जरूर देखना। तो 5,70,000 रुपए का अगर फाइनेंस होता है तो आपको डाउन पेमेंट देना होगा मात्र 1,00,000 रुपए, यानी 1,00,000 रुपए में टाटा मैजिक आप घर ले जा सकते हैं, और बाकी का पैसा ईएमआई में पेमेंट कर सकते हैं और अच्छा अपना काम धंधा चालू कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईएमआई की। अगर आप 5,70,000 रुपए का फाइनेंस करवाते हैं तो 12,824 रुपए की 60 ईएमआई आएंगी यानी 5 साल के लिए, और 1,99,440 रुपए का इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट थोड़ा कम लगे, ईएमआई चाहे बड़ी आ सकती है, तो फिर 15,151 रुपए की 48 ईएमआई आएंगी यानी 4 साल के लिए लोन होगा, और 1,57,248 रुपए का इंटरेस्ट पे करना होगा यानी ब्याज देना होगा। इसमें हमने इंटरेस्ट रेट 12.5% रिड्यूसिंग लगाई है, और फ्लैट रेट लगभग 6.5% के करीब होती है। अगर आपका अच्छा सिविल है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम भी लग सकती है, तो उसका जो है हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें आपको पूरी जानकारी जरूर देंगे। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस डॉक्यूमेंट की। तो नॉर्मली आपको केवाईसी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, 6 महीने या 12 महीने की 4 चेक, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अगर आपके पास कोई भी एक इनकम प्रूफ है तो वो आप जरूर दें, उससे आपको इंटरेस्ट रेट में भी थोड़ी रियायत मिल जाएगी और लोन भी जल्दी अप्रूव हो जाएगा। हालांकि ये एक कॉमर्शियल गाड़ी है जिससे आप कमाकर पैसा भरने वाले हैं, तो इसमें कोई खास इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होती, नॉर्मली आप इनकम प्रूफ देकर लोन करवा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये नया टाटा मैजिक? अगर टाटा मैजिक के बारे में या फिर फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।